सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवेंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13। एक विषम बाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के बराबर तथा भुजा बी सी दी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें तीन चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है एक ए बी रेखा। सबसे पहले तो हम ए बी रेखा ही ले लेते हैं, ये हम ए बी रेखा ले लेते हैं, ए और बी। एक हमें दिया हुआ है आधार कोण ए के बराबर, तो हम आधार कोण ले लेते हैं, ये मैंने आधार कोण ले लिया। इसका नाम हम दे देते हैं ए। एक हमें दे रखी है भुजा बी सी, ये है बी और सी। ये हमने ए बी से या तो ज्यादा लंबी लेनी है या हमें ये कम लेनी है। तो हमने ये तीन चीजें हमें दी हुई थी। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जितना आपका एक कोण है इतनी प्रकार खोल के यहां से चाप लगा दीजिए ऐसे। और अब हमने इधर को देखना है कि कोण हमारा कितना बड़ा है, ये इतना है, तो इतनी प्रकार खोल के हम यहां पे चाप लगा देंगे ऐसे और इसको हम मिला देंगे। और हम इसको अभी ज्यादा डार्क नहीं लगाएंगे, हल्की रेखा से मिलाएंगे, बाद में इसको डार्क कर देते हैं, हमारा फाइनल फिनिशिंग होगी। अब हमने क्या करना है, जितना आपका बी सी है हमने बी पर करके सी जितनी प्रकार खोल ली, जितनी आपकी भुजा है और हमने बी से इस रेखा पे चाप लगा देनी ऐसे, जहाँ पे कट रहा है ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे सी, आपने सी को बी के साथ मिला देना है, ये आपकी डार्क आ गई। अब हम इस रेखा को भी डार्क कर देंगे ऐसे और ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज बन के तैयार होगा। यदि आप देखना चाहें तो ये एक भुजा इतनी है, देखो इससे कम है और ये इससे कम है, तो ये तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग रहेगी। आप चाहो तो ए बी रेखा से भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं क्या हमारा प्रश्न सही है। तो ये आपका ए बी रेखा है और ये देखो ये इससे बड़ी है, ए बी रेखा इस भुजा से भी बड़ी है, तो तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग है, तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। प्रश्न नंबर 13। अगला हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 14। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी तथा न्यून कोण 30 डिग्री का दिया है। तो हमारे को एक कर्ण दिया हुआ है ए बी और हमने समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण मीन्स 90 डिग्री का, जिसका एक कोण कोई तीन कोणों में से एक कोण इसका 90 डिग्री का रहेगा। तो ये आपका ए बी और एक हमें दिया हुआ है कह रहा है 30 डिग्री का एक कोण बनेगा, तो हम साथ साथ ही बना लेंगे। हमने क्या करना है, ए बी जो आपका रेखा है जो कर्ण हमें दिया गया था इसका हमने समद्विभाजन करना है। चापों को मिला देंगे जहां ये चापे आपस में कट रही है। जहां पे ये आपकी ए बी रेखा पे कट रही है इस कर्ण पे यहां पॉइंट आएगा
पी। अब हमने क्या करना है, पी पर प्रकारक करके पी पॉइंट पर ए जितनी या फिर बी जितनी प्रकार खोल के आपने यहाँ पे अर्धवृत्त लगाना है। इस तरह से अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट पर जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ से हमने ए पर प्रकार रखनी है, चाप यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ से पहली चाप हमारी लगती है 60 डिग्री की, और इसका जब हम आधा कर देंगे तो वो बन जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बना है 60 डिग्री, और जब ये लाइन मिलेगी तो ये बनेगा 30 डिग्री का। इस लाइन को हम गाढ़ा ही लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कहां तक ये जानी है। इस तरह से हमने गाढ़ा लगा दिया, यहां तक ये जानी है। ये पॉइंट हमारा आ जाएगा सी, और सी से हमने डी को मिलाना है। ये आप देख सकते हो जी, ये आपका कोण बना, ये आपका 90 डिग्री का बन गया है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखो ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का सेट स्क्वायर का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया है, प्रश्न नंबर 14।